अभी अभी क्या कर रही हो? मैंने प्लान का कैलेंडर बना रही हूँ। अभी कितना प्यारा है, प्यारा लग रहा है। हाँ ना अभी देखो, इतना प्यारा लग रहा है। ऊपर इसके नंबर इतने कलरफुल हैं। इसके ऊपर चिमनी कितनी प्यारी पड़ रही है। देखो अभी हमने इतनी ऊपर प्यारी प्यारी चिमनी बनाई है। मैम ये मस्जिद है, चांद सितारा है, ये पहाड़ों के बीच में सूरज है, ये डैश भी है, ये टोपी है, ये वो जाने माज है, और ये ना जैसे हम लोगों को ना ऐसा आपको पता है रोजेदारों को ना रोजे में खाना ना खाना चाहिए, और ये रमजान कैलेंडर है। वाओ ये कितना प्यारा है, ये किस चीज का है कैलेंडर, आप मुझे बताओ। ठीक है ना, मैं आपको और फ्रेंड्स को बताती हूँ। फ्रेंड्स चलिए मैं आपको बताती हूँ मुझे इस कैलेंडर को बनाने में क्या क्या चीजें लगी। फ्रेंड्स हम लोगों को इस कैलेंडर बनाने ये जब हम लोगों को चाहिए एक ग्लू, एक सीजर, और ये कलरफुल शीट, और ये क्यूट सा रेनबो वाला पाउच। ये मेरी जो फोटो है उन्होंने वैसे से भेजा, और देखें इसके अंदर कितनी सारी रेनबोज, कितने सारे स्टार्स एंड कितने सारे क्लाउड्स बने हुए हैं। हाँ फ्रेंड्स इतना क्यूट है, और इसके अंदर शूटिंग स्टार्स भी बने। फ्रेंड्स चलो मैं आपको इसे ओपन करके फ्रेंड्स ये देखेंगे, एक ग्लिटर पेंसिल, ये जो हम लोगों ने नंबरिंग की है, और ये जो लिखा है ये हम लोगों ने ग्लिटर पेंसिल लिखा है, और ये है एक ग्लिटर पेन, और ये एक मार्कर्स हैं, ये जो हम लोगों ने डूज और डू नॉट लिखा है, और ये ऊपर रमजान वाला जो लिखा है वो भी हम लोगों ने ग्लिटर पेन वो मार्कर से लिखा है, और ये देखिए उसके पास एक उसके साथ ही एक मल्टी कलर का पेन है, एक रेनबो वाला स्केल है, और ये उसके साथ एक केम टेजर और शार्पनर है। और फ्रेंड्स ये देखिए इसके अंदर 12 कलर पेंसिल्स हैं, और ये इसके अंदर मुझे एक डायरी मिली है। फ्रेंड्स मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं डू एंड डू नॉट की वीडियो बनाऊंगी रमजान पे, और आज मैं वो वीडियो लेके आएंगी। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि इस डूज एंड डू नॉट ऑफ रमजान में क्या है। फ्रेंड्स सबसे नंबर वन मैं आपको बताऊंगी, सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको डूज। तो डूज के नंबर वन पे है परफॉर्म नमाज एज मच एज यू कैन। इसका मतलब है कि आप जैसे आप लोग नमाज पढ़ें, जितनी आपकी एज है आप उसके लिहाज से अपनी नमाज पढ़ें, लेकिन आप नमाज लाजमी पढ़ा करें, लेकिन आप अपनी एज के लिहाज से आप जितनी पढ़ सकते हैं आप पढ़ें। फ्रेंड्स सेकेंड पे है वेक अप इन सैरी टाइम। फ्रेंड्स अगर आपने रोज़ा रखना है, आपने रोज़ा नहीं रखना, तो आप अपने मम्मा बाबा लोगों के साथ सैरी में उठें, आप और सैरी में इंजॉय करें, इसलिए सैरी में बहुत मज़ा आता है, फ्रेश फ्रेश थी, और मम्मा लोग जो खाना खाते हैं और नमाज पढ़ते हैं, हाँ सुबह बहुत फ्रेश फील होता है। फ्रेंड्स थर्ड नंबर पर है रिसाइट योर कुरान डेली। फ्रेंड्स जिस दिन आपके सुबह जैसे रमजान में आपको कुछ सुबह की छुट्टी होती है, तो आप ऐसे नहीं करें कि आप लोग छोड़ दें सिपारे को या कुरान को, आप लोग उसे घर में पढ़ें, और जब जिस दिन स्कूल को सिपारा खुलेगा आप लोग जाके अच्छे से इसको सुनाइएगा। फ्रेंड नंबर फोर है रिमेंबर डेली शॉर्ट प्रेयर।
इसका मतलब है कि आप लोग जो छोटी मोटी दुआएं होती हैं आपको डेली प्रेम, जैसे बाथरूम जाने की दुआ, रूम पहनने की दुआ, सोने की दुआ, ऐसी चीज़ें, खाने की दुआ, ऐसी चीज़ें आप छोटी मोटी। और 5 पे है हेल्प योर मदर इन हाउस, का मतलब है जैसे आप लोग अपने घर को साफ रखें और मम्मा के साथ घर की सफाई करें। फ्रेंड्स, आप लोग घर को साफ रखें मम्मा के साथ, क्योंकि मम्मा को रोजा होगा, तो इसलिए आप लोग मम्मा की हेल्प पर आए, मम्मा का ज़्यादा तंग ना करें। 6 पे है मेक योर ओन टाइम डेली टाइम टेबल, इसका मतलब है आप लोग अपना खुद का टाइम टेबल बनाए डेली का। ओके फ्रेंड्स, जैसे टाइम टेबल, जैसे कि आपको खाना कब खाना है, आपको अगर आपके समर वेकेशन है तो आपको हम पूरा दिन सोते ही नहीं रहना, और आपको खाना भी खाना है, खाने का टाइम टेबल है, सोने का टाइम टेबल बनाना है, आपको पूरे डेली टाइम टेबल बनाना है, और आपको अफ्तारी कब करनी है, सहरी कब करनी है, उसका टाइम टेबल बनाना है। फ्रेंड्स, 7 पे है हेल्प इन अफ्तारी विद योर मदर, मतलब जैसे आप लोग अफ्तारी का टाइम हो रहा है और आप लोग खेलने ऐसा मत करिएगा, आप लोगों को मम्मा लोगों के साथ खाना रखवाना है, आप लोगों को चीज़ें रखवानी है, दस्तरखान लगाना है, ऐसी चीज़। और 8 पे है गिफ्ट चैरिटी ऑफ मनी और टॉयस, मतलब आप लोगों को अपने पास वाले लोगों को जैसे चैरिटी को देना है। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों के पास अपनी पॉकेट मनी रखी हुई, तो आप वो जो गरीब लोग होते हैं आप उनके अपनी थोड़े बहुत पैसे दें, और अगर आपके कोई पुराने टॉयज रखे हैं जिनसे आप नहीं खेलते, और आप वो पास जिनके पास टॉयज, जिनके बच्चों के पास टॉयज नहीं, आप उनको अपने पुराने टॉयज दे दें अगर आपके पास पुराने टॉयज हैं। फ्रेंड्स, 9 है हेल्प अदर्स, मतलब जैसे आप लोगों को दूसरों की मदद करनी चाहिए। और 10th में है स्पेंड टाइम इन रीडिंग इस्लामिक स्टोरी, मतलब इसका मतलब है कि आप लोग, फ्रेंड्स, आप लोग ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करें कार्टून्स देखने में, आप लोग इस्लामिक स्टोरीज पढ़ें। और 11 है फ्रेंड्स सेलिब्रेट लैलतुल कद्र विद योर एल्डर, इसका मतलब है वो जो 27 जो रात होती है ना रमजान की, उसको आप पेरेंट्स के साथ मिलके इबादत करें। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताती हूँ नंबर 1 पे है डू नॉट टेल अ लाई, मतलब आप लोगों को झूठ नहीं बोलना। फ्रेंड, जैसे हम लोग रमजान में एक बार झूठ बोल रहे हैं, हम लोगों को अल्लाह ताला से माफ़ी करनी चाहिए कि ना हम लोग झूठ नहीं बोले, और फिर हम लोगों को अल्लाह ताला हमारे लोगों के साथ कभी भी झूठ नहीं बोलना, और किसी और के साथ भी नहीं बोलना चाहिए, गंदी बात होती है। फ्रेंड, 2nd पे डू नॉट है डू नॉट डिस्टर्ब योर पेरेंट्स, मतलब आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना, अपने बड़े लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना, क्योंकि उनका रोजा होता है। और 3rd है डू नॉट फाइट विद योर सिबलिंग्स, हम लोगों को अपने छोटे भाइयों और बहनों से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। 4th है डू नॉट ईट इन फ्रंट ऑफ योर फ्रेंड, इसका मतलब ये है कि आप लोगों को अगर आपके कोई फ्रेंड रोज़ा रख रही है, तो आप लोगों को उसके सामने खाना नहीं खाना, इसलिए फिर उसे भी भूख लगती है। और हम लोगों को गली में नहीं खाना, हम लोगों को आराम से बैठ के घर में खाना खाना। और 5 पे है डू नॉट यूज बैड वर्ड, हम लोगों को गंदे वर्ड्स नहीं यूज़ करने चाहिए,
से लगातार हम गुस्सा होते हैं और नाराज भी होते हैं। नंबर सिक्स है डू नॉट वॉच टू मच टीवी एंड कार्टून। हम लोगों को ज़्यादा कार्टून और टीवी नहीं देखना चाहिए, जिससे हमारी आईसाइट भी वीक होती है। और हम लोगों को रमज़ान में तो बिल्कुल भी इतना ज़्यादा नहीं देखना चाहिए, हम लोगों को थोड़ा सा देखना फिर बस कर देना है, फिर हम लोगों को कुरान पाक पढ़ना है। और सेवन पे है डू नॉट आस्क फॉर फूड अगैन एंड अगैन। हम लोगों को बार बार खाना नहीं मांगना चाहिए। फ्रेंड्स इसका मतलब है कि हम लोगों को एक बार अच्छे से ढंग से खाना खाना चाहिए, फिर हम लोगों को बार बार खाना नहीं मम्मा से मांगना चाहिए। मम्मा का जो रोता होता है वो फिर बार बार किचन नहीं जा सकती, तो इसलिए हम लोगों को सिर्फ एक बार ढंग से खाना चाहिए। और जो आप लोगों को खाना है वो मम्मा अफ्तारी में बना देंगी। और है नंबर एट, ये है डू नॉट शाउट ड्यूरिंग अजान। इसका मतलब है कि हम लोगों को अजान के वक्त शाउट नहीं करना चाहिए, हम लोगों को टीवी बंद कर देनी चाहिए और हम लोगों को वो अजान का जवाब देना चाहिए। फ्रेंड मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें अजान का जवाब कैसे देना। फ्रेंड ये थे डूज एंड डू नॉट ऑफ रमजान। फ्रेंड ये मैं अपने फ्रिज पे लगाने वाली हूँ, और अगर आपको भी अपने ये फ्रिज पे लगाने तो आप हमारे फेसबुक पेज पे जाके इसे डाउनलोड करके अपने फ्रिज पे लगा सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिएगा। और फ्रेंड्स हम लोग रमज़ान में बहुत इस्लामिक वीडियोस शेयर करेंगे, अगर आपको अच्छी लगी तो आप इसे शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।